कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा की शिकायत पर कलेक्टर पहुंचे इंजीनियरिंग कॉलेज, दिया शिकायत निराकरण का भरोसा। कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा की शिकायत का निवारण करने कलेक्टर पहुंचे रीवा के इंजीनियरिंग कॉलेज। वहां पहुंचकर अभय मिश्रा के साथ बाहर से ईवीएम मशीन रखने वाले कमरों का निरीक्षण कर कांग्रेस प्रत्याशी की शिकायत का निवारण करने का आश्वासन दिया। इसके पूर्व सुबह कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर कांग्रेसियों ने ईवीएम को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। आइए आपको लेकर चलते हैं सबसे पहले रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर और सुनते हैं कांग्रेसी किन मुद्दों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे हुए थे। रीवा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 74 में मेरी चिंता भरी पेटी से ज़्यादा खाली पेटी की। जो अनयूज्ड मशीनें हैं या जो जिनमें कुछ वोट आधा इसमें पड़ा फिर बाद में नई मशीनें में डाला गया और उनको कहाँ रखा गया है, उनकी क्या सिक्योरिटी है प्रॉपर, क्योंकि वो उसके लिए कलेक्टर मैम का जिला निर्वाचन अधिकारी का ये कहना है कि वो स्ट्रांग रूम में नहीं आता, उसके लिए अलग रूम डिफाइंड है, उसको एकदम क्लियरली ये डिफाइंड करके नहीं बता पा रही। तो मैं वही जानने के लिए आया था कि भाई उसको आप हमें बताएं कि वो भी खाली पेटी सील्ड है कि नहीं है। तो सुना आपने कांग्रेसी क्या कह रहे थे। कांग्रेसियों की बात सुन कलेक्टर ने शाम 4 बजे परिसर निरीक्षण का आश्वासन दिया था। निरीक्षण के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी की बातों को सुनकर उनका तत्काल निराकरण का आश्वासन दिया। आइए चलते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज और दिखाते हैं वहां क्या हुआ। जो मैंने देखा, जो इस रूम में रखा है, जिसको नियम कानून में उनके गाइडलाइन में है कि हमारा प्रतिनिधि उसको निरीक्षण कर सकता है, खुली आंखों से देख सकता है, तो ऐसे कोने पे है, ऐसे गली के अंदर है, को दिखाई तो देता नहीं था, उसका कोई औचित्य था ही नहीं। मैंने मैम से रिक्वेस्ट की है कि उसमें आप CCTV कैमरा लगाकर यहाँ गेट के पास, जहाँ और भी लोग इकट्ठे हैं और विधानसभा हो गए, तो वहाँ से रीवा को भी जोड़ दीजिए ना। रीवा को बस क्यों छोड़ दिया, तो रीवा को भी उससे जोड़ के उससे कनेक्ट कर दीजिए। जैसे 3-4 विधानसभा दिख रही हैं, वैसे रीवा भी दिखना चाहिए। तो वहीं हमारे लोग वहाँ पर बैठ के उसको देखते रहे गेट को, तो उन्होंने एग्री किया है। नंबर दो बात यह कि सबसे ज़्यादा हम डरे हुए इस बात से हैं कि जो अनयूज्ड EVM रखी हुई वो खुले में, मतलब वो जिस कमरे में रखी हुई हैं, उस कमरे के बारे में हम सबसे ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ी होगी, जो पुराने एक्सपीरियंस हैं पिछले चुनावों के, तो अनयूज्ड मशीनों का ही यूज होगा गड़बड़ी करने में, और वही उन्हीं की अदला बदली होगी। तो मैंने मैम से ये रिक्वेस्ट किया है कि जिस कमरे में उसको रखा हुआ है उसको CCTV कैमरा लगा कर की निगरानी में उसको रख के उसको भी स्क्रीन से कनेक्ट कर दें, ताकि जो व्यक्ति हमारा बैठे तो वो दोनों चीज़ों को देख सके। कब तक का आश्वासन है, कब तक हो जाएगा? क्यों, क्या नाम है उनका जिनको बोला अभी, सुधांशु जी क्या नाम बताया उनका, अभी 1.5 घंटे बोला तो है। तो आप संतुष्ट हैं कलेक्टर? हो जाए तो संतुष्ट है, अभी तो आश्वासन। और किन किन विधानसभाओं का आपने साथ में देखा? अभी तो आश्वासन उन्होंने दिया है, मतलब वो मेरी बात से सहमत हुई हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि मैं जो बात रेज कर रहा था वो बात ठीक थी, अगर ठीक नहीं होती तो कलेक्टर क्यों कहती कि हाँ ये ऐसा कर दिया जाए। तो मतलब इससे मुझे लगा कि मेरे मन में जो क्वेश्चंस थे और जो मुझे प्रॉब्लम थी, मेरी प्रॉब्लम सही थी, गलत नहीं थी। ओके।